नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द करेक्टिव शो, जहां एवरी संडे मैं लेकर आती हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। इसी कड़ी में आज बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ के रिपीटेड नंबर्स के इल इफेक्ट को दूर करने की रेमेडीज़ के बारे में, क्योंकि पिछले संडे मैंने आपको बताया कि रिपीटेड नंबर्स क्या होते हैं और इनका इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी को किस तरह से प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं रिपीटेड नंबर वन की रेमेडीज़ से। इसके लिए एक तो रविवार को नमक का इंटेक बिल्कुल कम रखें या पूरी तरह से अवॉइड करें, और इस दिन कम से कम 10 लोगों को गुलाबी या ऑरेंज कलर की सॉफ्ट ड्रिंक पिलाएं। जैसे कि कुछ लोग रूह अफ़ज़ा या स्टिंग भी दूसरों को ऑफ़र करते हैं, जो कि एक बढ़िया ऑप्शन है। झूठ बोलने से पूरी तरह से बचें। अपनी ओरल हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें। इस दिन अगर पॉसिबल हो तो किसी बैल को गेहूँ और गुड़ का दलिया बनाकर खिलाएं। इस तरीके से भी रिपीटेड नंबर वन की नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम होगी। रिपीटेड नंबर टू की रेमेडी करने के लिए अपने मन में उठने वाले क्रिएटिव आइडियाज़ को एक पेपर पर लिखना शुरू कर दें, क्योंकि नंबर टू का रिपीटेशन आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत हद तक बढ़ा देता है, जिसके कारण आपके मन में उठते विचारों को बाहर लाने का जरिया बनता है राइटिंग, ड्राइंग, म्यूज़िक या एक्टिंग। अब ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किसे चुनते हैं। दोस्तों, सुनने में अजीब लगने वाला ये तरीका ही रिपीटेड नंबर टू की नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अदरवाइज़ ये लोग अपनी इमेजिनरी दुनिया से बाहर ही नहीं आ पाते और ओवरथिंकिंग की हैबिट इन्हें डिप्रेशन का शिकार भी बना सकती है। डेली सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस भी बेनिफिशियल है और हर समय मोटिवेट करने वाला फ्रेंड सर्कल भी इनके लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। रिपीटेड नंबर थ्री के इल इफेक्ट को कम करने के लिए घर से दूर नीम, बड़ और पीपल की त्रिवेणी लगाएं। अपनी इनकम का कुछ परसेंट किसी गरीब बच्चे की स्कूल फीस भरने में लगाएं, या फिर अगर आप एजुकेटेड हैं तो इन्हीं बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाएं, क्योंकि रिपीटेड नंबर थ्री इन्हें काफ़ी अथॉरिटेटिव भी बना सकता है। इसलिए ये लोग जितने ज़्यादा हेल्पफुल रहने की कोशिश करेंगे इनके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। रिपीटेड नंबर फोर के इल इफेक्ट को कम करने के लिए हर रोज़ चींटियों को गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर डालें। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक आइटम्स, ऑनलाइन बिजनेस और लकड़ियों से जुड़े किसी भी तरह के कारोबार से जुड़ें। अपने घर में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान ख़राब या बंद पड़ा हो तो उसे ठीक करवाएं, या फिर वो ऐसी कंडीशन में है कि ठीक ही नहीं हो सकता तो उसे कबाड़ में बेच दें। दूसरों के सीक्रेट्स जानने में ये लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इन्हें अपने इसी बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। इनका इंट्रोवर्ट हो जाना ही इन्हें सारी मानसिक परेशानियों से बचा कर रख सकता है। इसके लिए इन्हें योग और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। रिपीटेड नंबर फाइव की रेमेडी करने के लिए हरे रंग की चीज़ें डोनेट करें। अगर कोई भी व्रत या उपवास रखना चाहते हैं तो मौन व्रत इनके लिए बेस्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा और बिना सोचे समझे बोलने की आदत के कारण अक्सर इनके बनते काम बिगड़ जाते हैं। इनका कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेचर इन्हें लगातार एक ही तरह के काम में बोरियत फील करवाने लगता है, जिसकी वजह से ये बार बार अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं। अपने स्वभाव को बदलने के लिए इन्हें हर रोज़ सिद्धासन में बैठकर त्राटक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इससे इनका दो तरह से फ़ायदा होगा। एक तो इनके काम में कंसिस्टेंसी आएगी, दूसरा ये इजी मनी के चक्कर में जुए या सट्टेबाजी और दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे। रिपीटेड नंबर सिक्स की रेमेडी करने के लिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुले आसमान के नीचे टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपनी लेजीनेस और बिना सोचे समझे बोलने की आदत को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। नंबर सिक्स का रिपीटेशन इन्हें काफ़ी खर्चीला बना देता है, क्योंकि इनकी शो ऑफ करने की आदत कई गुना बढ़ जाती है, जिसका खामियाजा इन्हें लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ता है। इनकी इसी आदत के चलते इन पर कर्ज भी बढ़ जाता है और इसका असर इनकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ता है। नंबर सिक्स का रिपीट होना इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और डिवोर्स के चांसेस को भी कई गुना बढ़ा देता है। रिपीटेड नंबर सेवन की रेमेडी करने के लिए काले और सफ़ेद तिल बराबर मात्रा में लेकर मिक्स करके दान करें, या ऐसा कंबल जिस पर ब्लैक एंड वाइट धारियां या चेक के साइन बने हो, किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान लगाते हुए मेडिटेट करें। इस केस में इनको नज़र लगने की पॉसिबिलिटीज़ भी काफ़ी हाई रहती है, इसलिए इन्हें अपनी लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में चांदी की रिंग में कैट्साई यानी लहसुनिया नाम का जेमस्टोन पहनना चाहिए। ध्यान रहे कि इसे शुक्ल पक्ष के बुधवार की शाम 8 बजे के बाद ही धारण करें। इन्हें चांदी और प्लैटिनम की ज्वेलरी पहनने की सलाह दी जाती है। रिपीटेड नंबर सेवन के कारण इन्हें अपनी लाइफ में बार बार धोखे मिलते हैं, इसलिए किसी भी तरह की पार्टनरशिप से इन्हें बचना चाहिए।
अब आगे बात करते हैं रिपीटेड नंबर 8 के बारे में। तो इसका प्रभाव बहुत सारे दुख, हर्डल्स, परेशानियां और टेंशन को देने वाला होता है। इन लोगों को अपने जीवन में भर भर के दुख झेलने पड़ते हैं। इसकी रेमेडी करने के लिए दीनहीन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। ये लोग जितने ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहकर काम करेंगे उतना ही इनका गुड लक एनहेंस होगा। शनिवार को अपने अंडर काम करने वाले वर्कर्स को ब्रेड पकौड़े या समोसे खिलाएं। बदले में उनमें से किसी एक जन से 1 या 2 रुपए का सिक्का लेकर अपने वॉलेट में रख लें। इससे भी शनि ग्रह का इल इफेक्ट कम होगा। रिपीटेड नंबर 9 की रेमेडी करने के लिए हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करें। मंगलवार को हनुमान मंदिर या किसी गुरुद्वारे में मसूर की दाल डोनेट करके आएं। महीने में एक बार किसी हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठकर कुछ खाकर वहां की टैप से थोड़ा पानी पीकर आएं। लाल रंग की चीज़ों और कपड़ों का दान करें और ख़ुद इन लाल चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करें तो रिपीटेड नंबर 9 का इल इफेक्ट कम होगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।